हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए हैं अपने गांव को और दिखाएंगे अभी कैसा गांव है मेरा और कैसा घर है मेरा। तो फिलहाल तो अभी हम एक स्कूल के पीछे खड़े हैं और ये प्राइमरी स्कूल है सरकारी, इसमें भी हम पढ़े हैं। नया गेट वेट भी लग गया है, तब इतना बना नहीं था और तब इतना अच्छा बिल्डिंग नहीं था। अभी देखिए कितना अच्छा बिल्डिंग हो गया है और अभी गाँव दिखाएँगे अपना गाँव कैसा है। और ये गाँव मेरा इस तरफ है, देखिए ऐसा गाँव है। मेरे गांव का नाम है चकलाल भारी फतेहपुर बाराबंकी। तो इतना बड़ा गांव का नाम नहीं है, सिर्फ चक नाम है मेरे गांव का नाम। तो अभी दिखाएंगे स्कूल और गांव और लड़के सब कैसे क्या करते हैं, गांव में कैसे क्या होता है। ठंडक में जा रहे हैं, ठीक बने रही वीडियो में। यही है स्कूल जिसमें हम पढ़ते थे, अभी तो बंद है सर्दियों की छुट्टी में। देखिए और पहले तो हम दिखाते हैं अपना घर, तो घर भी दिखाते हैं। यही रोड है, रोड गया है डायरेक्ट जी। तो अभी दिखाते हैं मेरा घर, ये जो साइड में है मेरा घर है, ये देखिए। टूटा फाटा घर है, टूटा फाटा घर है मेरा, थोड़ा दो कमरा बने बस। तो भी जा रहे हैं हम प्राइवेट स्कूल की तरफ जहाँ पे हम पढ़ते थे कक्षा, अरे 5 से और कक्षा 10 तक हम पढ़े हैं यहाँ पे। तो उस स्कूल से जा रहे हैं, वो सामने स्कूल है और यहाँ पे ये मेरा घर है, बहुत ही नजदीक था मेरा घर। तो अभी जा रहे हैं, दिखाएंगे कि कैसा स्कूल है मेरा और अब जाके कुछ अच्छा ही बन गया है, ठीक। और ये कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं हमारी पंचायत के, तो ये आ रही हैं हमारे गांव की सीमा, ये हैं पंचायत सहायक हैं, अभी देखिए ड्यूटी से आ रही हैं। और फिर भी हम जा रहे हैं, ये है पहले असल मतलब यहाँ धान वान दे जाते हैं। ये देखिए भूसी है, बहुत ही अच्छा प्रदेशर है ये भी, और धान वाले इसी में हम लोग दराते हैं। अब तो सब ट्रैक्टर वाले चल गए हैं। ये है मेरा स्कूल जहाँ पे हम पढ़े थे और अब तो हम बीटेक में एडमिशन हो गया है, अब तो लखनऊ में रहते हैं फिलहाल। और ये वाला गेट बंद है और अब तो कुछ अच्छा बन गया है, नया बन गया है स्कूल के अंदर। फिलहाल हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता है हमको, क्योंकि पता नहीं लगा है जाने देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल अभी तो हम गेट पर ही हैं, ये देखिए स्कूल हमारा रामनाथ वर्मा। तो अब काफी अच्छा बन गया है, अभी जाएंगे और थोड़ा वीडियो बनाएंगे। ये नई क्लास तो देखा दोस्तों कैसा स्कूल है मेरा, और अभी शायद क्लास चल रही है तो वहां बोलना ठीक नहीं है। और ऐसे ही क्लास थी जिसमें हम पढ़ते थे, तो बहुत मज़ा आता था। और उसके बाद में अरे मेरे समझ लो चाचा ही लोग का स्कूल है, गांव का स्कूल है, तो सब जानने वाले थे। फिलहाल तो फिर अभी जाते हैं भी बाहर और फिर गांव दिखाते हैं अपना, ठीक है। कितना सुंदर स्कूल है मेरा, अब बहुत
खुद ही अच्छा बन गया है। चल रही है ये बोर्ड है कि पास में नहर भी है, कितना मतलब ठीक है, सटीक है मेरा गाँव। और रोड है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत भी नहीं होती है कि कहाँ आना है कहाँ जाना है। और रोड के किनारे ही कॉलेज स्कूल है। ठीक है, तो चलते हैं गांव की तरफ, अभी गांव का थोड़ा वीडियो दिखाएंगे। मैं खेल का मैदान नहीं है, तो कुछ बच्चे अपनी अलग अलग टीम बना के अलग अलग जगह खेलते हैं। खलिहान है, ये हमारे गाँव का खलिहान है। देखिए कितने सारे कुरिया लगी हैं पैरा की, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो कितनी कुरिया लगी हैं। सारे गांव का पैरा यहीं पे लगता है। और हमारा गांव दो भागों में है, उस तरफ है एक है गांव, एक इस तरफ से। हमारे गांव का नाम ही एक ही है। हमारे गांव के लड़के हैं और मैच खेल के आए हैं। ये देखिए सारे गांव के लड़के हैं, ये देखिए सबसे बड़ा खिलाड़ी, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये भी खिलाड़ी बहुत बड़ा है। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, ये दोस्तों कैसा लगा मेरा गांव? और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।